नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मटन बिरयानी। उसके लिए हमें 1 किलो मिक्स मटन चाहिए होगा। 1 कप दही डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 5-7 लाल और हरी मिर्च डाल देंगे। बारीक कटा धनिया डाल देंगे। बारीक कटा पुदीना डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। 2 से 3 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आपको बिरयानी मसाले का रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 1 नींबू का रस डालेंगे। सब मसालों को अच्छे से मटन में मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट किए हुए मटन को 1 से 2 घंटे तक ढककर छोड़ देंगे। दूसरे तरफ कुकर में 1/2 कप तेल डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बड़ी और 4 छोटी इलायची डालेंगे। 2 से 3 तेज पत्ता डालेंगे। 1 इंच दालचीनी डालेंगे। 7-8 काली मिर्च और 1 इंच जावित्री डालकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। 5 मीडियम साइज के प्याज को काट के डाल देंगे। इसको 10 से 12 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज के टमाटर काट के डाल देंगे। 4-5 मिनट तक अच्छे से चलाइए। मसाला भुन जाने के बाद मैरिनेट किया हुआ मटन डाल दीजिए। 4-5 मिनट तक इसको तेज आंच पर अच्छे से चलाते रहिए। मटन अच्छे से भुन गया है। इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डाल के 2 से 3 मिनट चला लीजिए। चलाने के बाद हम इसको कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट तक धीमे आंच में पकने देंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन खोल दीजिए। देखिए, हमने जो पानी डाला था वो सूख गया है। इसको 2-3 सेकंड तक चलाएंगे। दूसरे तरफ एक कढ़ाई में पके हुए चावल डालेंगे। इसको हमने 80% ही पकाया है। उसके ऊपर हम मटन का लेयर बिछा देंगे। फिर हम चावल का लेयर एक और बिछा देंगे। पीला और ऑरेंज फूड कलर आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फ्राई किया हुआ प्याज डाल दीजिए। कटे हुए टमाटर और कटा हुआ नींबू डाल दीजिए। बारीक कटे धनिया डालकर हम फिर से मटन का लेयर बिछा देंगे। अब हम इसमें फिर से चावल का लेयर बिछा देंगे। फिर ऑरेंज और पीला फूड कलर डालेंगे। फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। नींबू के स्लाइस डालेंगे। टमाटर के स्लाइस डालेंगे और 2 से 4 हरी मिर्च और लाल मिर्च डालकर, बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसको ढककर दम पे 15 से 20 मिनट पकाएंगे। मटन बिरयानी तैयार है। इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला लीजिए। अब हम इसको एक बर्तन में सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। साथ ही लाल वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।